जीवामुषे कित सौहृदार्था जनेशु देहांतरवातिकेशु गेहेश जयात्मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता जवदासाशु लोके जीवामुषे कित सौहृदार्था जनेशु देहांतरवातिकेशु गेहेशु जयात्मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता जवदासाशु लोके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जब हमारा मन की इच्छा भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान गुरु वैष्णव का इच्छा के साथ मिल जाती है तब शांति को प्राप्त होता है। जगतगुरु गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, हमारा इच्छा और भगवान का इच्छा आशा आकांक्षा जो कुछ भी है सब जब एक साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं तभी बुद्धिजीवों को शांति मिलती है। गुरु मुख पद्म वाक्यो हृदय ते कोरिया ओक्यो आर न करियो मने आशा आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईन परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदिके आनंद हरी सारे की तम जो तमाम सभी में एक ही बात, जब हमारा स्वतंत्र इच्छा बने रहता तब तक शांति मिलने का कोई चांस ही नहीं। पूरी दुनिया भर का जितना सारे समस्या है इसका समाधान एक है, ये भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो इच्छा है ये इच्छा का मुताबिक हम अपना जीवन जिंदगी को चलाए तो उसमें शांति है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में हमारा जो प्रचोदयात ब्रह्म गायत्री, ये ब्रह्म गायत्री स्वयं जो ब्रह्म गायत्री के जो मूर्ति है स्वयं उतार के आए। ब्रह्म गायत्री में जो प्रचोदयात प्रेरणा मिलती है हमको, ये ब्रह्म गायत्री का जो मंत्र है ये मंत्र का साक्षात विग्रह है परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण। दोस्त अर्जुन अपना दोस्त अर्जुन को शिक्षा देने का जो बहाना है इनमें तमाम दुनिया को शिक्षा देने का व्यवस्था हो पाया। वेद एक्चुअली श्रुति प्रस्थान और गीता स्मृति क्योंकि डायरेक्ट मुखाराबिंद से भगवान साक्षात मुखाराबिंद से निकला हुआ बात। इधर चर्चा हो रहा था जे दुष्ट दुर्योधन जिसका जन्म कली का अंश में हुआ हर वक़्त लड़ाई झगड़ा में उसका मन उलझे हुए हैं और राजनीति बोल के जो चीज है वो छोड़ के उसका अंदर में कुछ नहीं है। कपटता हईले दूर प्रवेशे प्रेमेर पूर हमारा शास्त्र में है कीर्तन में, जब तक डुप्लिसिटी रहे कपटता रहे तब तक बेचैनी बने रहेगा, किसी भी हालत से उसका समाधान है नहीं। दुर्योधन गुरु जी को सम्मान देने के बहाने में, गुरु मतलब द्रोणाचार्य,
द्रोणाचार्य को सम्मान देने के बहाने में पहुंच गए। और असली बात तो ये है, वो डर गया। पंच पांडवों का जो सेना का विन्यास, इसको देख कर थोड़ा घबराहट पैदा हुआ हृदय में। लेकिन उसको छुपाने के लिए गुरु जी के पास जाके बोलना शुरू कर दी। इसका थोड़ा चर्चा काल हो पाया। और ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारा पक्ष में भी कम नहीं है, अस्माकं तु विशिष्टा जे तन निबोध द्वियोत्तम, ये सब इसका चर्चा हुआ। द्वियोत्तम बोलने का कारण ये है कि आप सत्य प्रतिज्ञ हो, ब्राह्मण हो, और आप हमारा पक्ष लेकर आए हो, और आपका प्रतिज्ञा क्या पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अधर्म का पक्ष में है ही है दुर्योधन। इसलिए अंदर में डर है, जो अधर्म के पक्ष में रहता है हर वक्त उसका अंदर में एक वीक पॉइंट रहता है कि अधर्म का पक्ष में है। और द्रोणाचार्य जी का हृदय में पंच पांडवों के लिए इतना स्नेह है, इसका खबर मालूम है दुर्योधन को। और ये स्नेह अगर पिघल गया तो युद्ध क्षेत्र में नाकामयाबी होने का चांस भी है। इसलिए वो तरह तरह के विचार उठाकर गुरु का ऊपर गुरुगिरी कर रहा है। बोले देखो, हम भी कम नहीं है, हमारा पक्ष भी कम नहीं है। भवान भीष्मश्चो कर्णश्चो कृपश्च समितिंजय अश्वत्थमा विकर्णश्च सौम दत्तीर जयद्रथ अन्य च बहव सूरहा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्धो विशारदा। ये लोग सारे तमाम युद्ध विशारद है, एक्सपीरियंस्ड, बड़ा एक्सपीरियंस है। सारे नाम को बता दिए। ये लोग सब हमारा लिए अपना प्राण को बलिदान देने के लिए तैयार है। सो ये लोग जो हमारा लिए प्राण देने के लिए आया है, इसका बल बीर्जों का, इनके जो बल वीर जो है इस पर आस्था रखनी चाहिए। अयुद्ध में हमारा जय होना ही है, ऐसा बोलने का यही एक मकसद है। बोलने का यही मकसद है, मतलब द्रोणाचार्य गुरु जी का मन को पूरा एकदम ठिकाना में लगाने का कोशिश है, ये पक्का। इसके बाद ये तर्क उठाया, किंतु ये पागलपंथी है। जब भगवान श्री कृष्ण कहे कि हमारा पास काल आना सूबे में, और जो जो पहले आएगा जो मांगेगा हम दे दें, एक तो हम है, हमारा 18 अक्षौहिणी सेना है, तो काल कह चुके हैं सब बात। दुर्योधन अभिमानी है, वो चरण का सामने अर्जुन खड़ा हुआ है और मस्तक का सामने दुर्योधन। उसका बात तो बंटवारा हो गया, जो लेना है ले लो। और अर्जुन ने मांगा कि आपको चाहिए, आप मेरा पास रहो बस, और कुछ नहीं। भगवान रहने से सब कुछ है, लेकिन ये अभिमानी और दुर्योधन को ये पता नहीं। इसको 18 अक्षहिणी सैन्य वाहिनी ये चाहिए। इसके बाद और तर्क दे रहा है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभि रक्षितम,
पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तम मतलब है अपरिमेय अपर्याप्तम इधर कहने का मतलब है अपर्याप्तम न अपरिमेय प्रचुर और एक बात भी हो सकता है अपर्याप्तम अप्रचुर तो ये विचार है दोनों ए अपर्याप्तम दोनों माने किया है टीकाकारों ने अपर्याप्तम ने पर्याप्त होने का लायक नहीं बहुत है अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम और पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम हमारा पक्षों का जो सैन्य है ये तो बहुत बहुत है काफी है मतलब और ये जो भीम के द्वारा रक्षित ये तो पर्याप्त है पर्याप्त माने ज्यादा नहीं है वो तो कहने का क्या मतलब है ये सब कहने का क्या मतलब है मतलब ये हौसला बरार है और भीम को बताया गया वो तो अर्धरथी है वो क्या करे वो सेनापति बन के बैठे और दूसरी बात ये है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि किसी भी हालत से आप अपना अपना स्ट्रैटेजी का पॉइंट पे खड़ा होकर हर हालत में भीष्म पितामह जी को रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो क्योंकि वो तो अपना हिसाब से युद्ध करना शुरू कर देगा और युद्ध करने का टाइम में पीछे में कौन है क्या है आपको देखना पड़ेगा अयनेषु अयनेषु मैंने एक एक जगह पर अपना अपना अयनेषु च अयन अयन मतलब ये भी हो सकता है किसी गेट से शत्रु पक्ष घुस जा सकता है हमारा अंदर में अयनेषु सकल प्रवेश पथ प्रवेश द्वार युद्ध क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजी है जो सैन्य विन्यास इसको व्याख्या करते हुए दुर्योधन बता रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अब सारे भीष्म पितामहों को रक्षा करने का प्रयत्न करें क्योंकि सेनापति भीष्म अगर निरापद रहे सही रहे सही सलामत रहे तो कोई चिंता नहीं है बहुत सो आप जो है द्रोणाचार्य जो आप हो आप गुरु ए आर पितामह भीष्म दोनों मिलकर एकांत रूप से प्रयत्न करें कि हमारा जय सुनिश्चित हो जाए क्योंकि भीष्म अगर निरापद रहे विजय एकदम पक्का सिद्धि सो
ये जो है ये सब बोल के वो अभी प्रस्तुत हो रहे हैं, युद्ध होने जा रहा है, अभी अभी शुरुआत हुए नहीं। आंतस्सो संजयन हर्षम कुरु विद्ध पितामह, कुरुकुल का जो सबसे बड़े बूढ़े हैं कुरु विद्ध पितामह, तस्सो संजयन संजयन हर्षम कुरु विद्ध पितामह, सिंहनादम विनोदोच्चै संक्षम ददमो प्रतापवान। दुर्योधन को थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए अनंतर विक्रमशाली कुरु विद्ध पितामह भीष्म दुर्योधन को थोड़ा आनंद देने के लिए उत्पाद वो अपना जो संख्य है अर्थात युद्धों को डिक्लेयर करने के लिए घोषणा करने के लिए जो उच्च रब शंखनाद किए, तस्सो संजयन संजयन हर्षम कुरु विद्ध पितामह सिंहनाद सिंहनादम विनोद उच्चई संक्षम दद्मो प्रतापवान। बहुत जोर से शंख ध्वनि किए। ऐसा करके दुर्योधन को थोड़ा आनंदित किया, चलो कोई चिंता नहीं हम तो है ही है, ऐसा करके थोड़ा युद्ध का प्रस्तुति हो रहा है। सिंहनादम ये पद को व्यवहार करके वेदव्यास जी ये जो सिंहनादम पद ये व्यवहार करके उपमाने कर्मणि च सूत्रे, आपका कर्म भी आप जैसे शंख बजा रहे हो सिंहनादम आपका कर्म भी ऐसा है सिंह का माफिक। सो ऐसा करके पितामहो शंखनाद की, इसके बाद धीरे धीरे क्योंकि वो सबसे बड़े बूढ़े हैं तो शुरुआत वही किए। ततः संख्याश्च भैर्यश्च पनवानोक गोमुखा सहसैव अभ्य हन्यन्तो सशब्दस्तुमुलो अभवत् अभवत् तुमुलो हवस् तुमुलो अभवत्। इसके बाद सारे एक एक अपना अपना सब शंख भेरी मादल पटह रणसिंगा ये सब युद्धों का भेरी सारे बजाना शुरू किए और इसके तमाम ये शब्दों मिलकर एक ऐसे लगता है कि आसमान तोड़ जाए। सहसैव व्यहनंत सशब्द स्तुमुल अभवत् तुमूल शब्द हुआ, जो डरपोक है उसका तो हृदय एकदम बहुत भयभीत हो जाए। इसके बाद वर्णन है ये ततः सेतोर हयर युक्ते महति सनंदस्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदमतु। इस तरह भगवान श्री कृष्ण एवं धनंजय शेतास मतलब घोड़े जो है सादे घोड़े शेतास संयुक्त हो ये रथ है, रथ में तो आरूढ़ है ही है, उसमें आरूढ़ होके संख्य ध्वनि कर दिए। ततः श्वेतर हयर युक्ते महती सनंदे स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंख्यौ प्रदमतु। महती सनंदे ये जो
हनुमान जी महाराज का ध्वजा है रथ का ऊपर। ये रथ कोई सामान्य रथ नहीं, उत्तम रथ है। सो महती सनंदिर स्थितो, ये शब्द व्यवहार करके ये रथ सामान्य नहीं है। ये रथ में सवार होकर अभी माधव पांडवश्चैव दद्मौ शंखौ प्रदद्मतौ, दोनों माधव द्विवचन है, माधव पांडवश्चैव दद्मौ शंखौ प्रदद्मतौ, क्योंकि पंचजन्म संख्य ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश का पंचजन्यम ऋषिकेश और देवदत्त्यम धनंजय, धनंजय का जो संख्य है ये नाम है देवदत्त्यम, भगवान श्री कृष्ण पंचजन्म। और पौंड्रम ददमो महारथम भीमकर्मा बिकोदर, बिकोदर भीम भीम पौंड्रम ददमो, ये शंखों का नाम है, ये भी बजा दिए। इसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अनंत विजय नामक जो संख्य है इसको ध्वनि कर दिए युधिष्ठिर महाराज। नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणि पुष्पकौ, नकुल असहदेव, नकुल जी सुघोष और सहदेव का संख्य नाम मणि पुष्पो दोनों हैं, इसलिए सुघोषो मणि पुष्पकौ, क्योंकि नकुल सहदेवश्च काश्यस्य परमेश्वाशः श्रीखंडी च महारथ धृष्टोद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसो पृथ्वीपते, द्रुपद राजा आ द्रौपदेयाश्च माने द्रौपदी का जितना सारे पुत्र है, द्रौपदो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसो पृथ्वीपते हे पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो संख्यानु ददमु पृथक पृथक, ये अपने अपने शंखों का वादन किए। द्रुपद राजा द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी नंदन, महाबाहु माने सौभद्र सुभद्रा नंदन च महाबाहु, सब अपना अपना शंखों को बजा दिए और युद्ध का उद्घोषणा, युद्ध का घोषणा कर दिए। पंचजन शंखों का बारे में आप जानते हो, पंचजन में एक असुर समुद्र का अंदर में छुपा हुआ था, छुपा था, अपना गुरुदेव का वचन को निभाने के लिए समुद्र का अंदर गए और गुरुपुत्रों का अनुसंधान के लिए, और उसका बाद उसको वध करके वो जो अस्थि है शंख का जो सेल कॉन्च सेल उसको अपना हाथ में रख लिए। तो ये जो पंचजंग है धनंजय जो है ये बोलना जरूरी है कि अर्जुन का 10 नाम विशेष है, इसमें अर्जुन है और हिमालय पर्वत में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए फाल्गुनी भी कहा जाता है। और दुर्धर्ष शत्रु जयी, शत्रु का सामने परंतप, और जिष्णु बोलता है, जिष्णु यीशु माने मतलब शत्रु का सामने एकदम प्रबल जयकारी, दुर्धर्ष शत्रु जयकारी,
इसलिए जिष्णु नाम दिया गया। देवराज इंद्र प्रीति होकर इनके मस्तक में किरीटी प्रदान किए, इसलिए किरीटी देवराज इंद्र इसका प्रताप। ऐसे तो देवराज इंद्र का अंश में ही है जो पंच पांडव का जन्म का इतिहास है, बहुत सारे ये सब बोलने का समय नहीं, फिर भी ये देवराज इंद्र का अंश है। ये मत सोचना कि देवराज इंद्र का अंश में मतलब क्या, तो नित्य पार्षद कैसे बोला। ये माने हैं जी अर्जुन नित्य पार्षद है भगवान का, ये आपका जो आपका जो जदुवंश का जो जन्म का सब एक एक का उसमें भी देवता अंश भी है और नित्य पार्षद अंश भी है दोनों। जब शरीर को छोड़ दे तो अपना एक हिस्सा चले जाए अपना जगह पे स्वर्ग और बाकी चले जाए, बस तब जाएगा असली जगह। सो देवराज इंद्र प्रीति होकर अर्जुन का मस्तक पे किरीटी अर्थात मुकुट प्रदान किए, किरीट इसलिए इसका नाम किरीटी भी है। और शेतास युक्त रथ लेकर युद्ध करता है अर्जुन, शेतास युक्त होकर युद्ध क्षेत्रों में उतारते हैं, इसलिए शेत वाहन इसका और एक नाम। युद्ध के समय में कभी भी अपना नियम को तोड़फोड़ नहीं किया, युद्ध का जो नियम है सही ढंग से हर वक्त युद्ध किए। युद्ध काल में कभी भी विभत्स कार्य ऐसा अन्याय कभी नहीं किए, विभत्स कार्य किया नहीं, इसलिए विभत्स कार्यों को नहीं किए कभी भी, इसलिए विभत्सु अर्थात आपने कभी उल्टा नहीं किए। युद्ध स्थल में वीरगणों को पराजय बिना पराजय किए हुए कभी वापस नहीं आए, हर वक्त, इसलिए इसका नाम और विजय, विजय अर्जुन का दूसरा नाम। कृष्ण वर्णों कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अंग का वर्ण है श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण ये शरीर का वर्ण, इसलिए पितृपदत्व नाम कृष्ण, इसका और एक नाम कृष्ण है, कृष्ण वर्ण थे इसलिए कृष्ण। और दक्षिण और वाम हस्त जो है दोनों हाथ समान सुदक्ष है, अर्थात दोनों हाथ चलाने में एकदम पक्का, इसलिए नाम सब्यसाची। और समस्त जनपद जय करके धन संग्रह किए हैं धनंजय, चारों ओर जहां जहां गए वहां सारे तमाम राजा महाराजा सब अपना अपना धन दौलत को हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया, इसलिए जहां भी जाए समस्त जनपद जय करके तमाम जनता को जय करके सारे अपना धन दौलत सारी जो है इकट्ठा करने के हिम्मत रखता है, किया भी है, इसे इसका नाम है धनंजय। ऐसे ही धीरे धीरे वर्णन किए हैं। और ऋषिकेश आप जानते हो, ऋषिकेश मतलब तमाम इंद्रियों का जो जिसका कंट्रोलिंग है ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। ये ऋषिकेश नाम के द्वारा ये
एक माने निकलता है कि ये इसका ये नाम देने का इधर कारण ये है कि युद्ध तो हो रहा है जो कुछ भी है, लेकिन सारे चीज तो मेरा हाथ में ही है, कंट्रोल में है, सारे चीज तो हमारा हाथ में ही है, तो युद्ध हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे सब सारे वर्णन हुए और इसके बाद जो है सघोषो धार्तुराष्टानम हृदयानि व्यादारयत् नहश्च पृथिवीश्चैव स्तुमुलो अभ्यानु नादयन् अभ्यानु नादयन्। मतलब सघोषो जो जितना सारे शंख ध्वनि पंच पांडव का तरफ से सारे सब शंख का ध्वनि भय शंख ध्वनि होने का बाद ये लगता है कि सघोषो ये जो तमाम दुनिया का जो अभी स्थिति है, अभी कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है, शुरू होने जा रहा है। सघोषो धातुराष्टानम हृदयानि व्यादरन, और हृदय को विदीर्ण कर दिया लगता है। ऐसे तो डर है ही है, अधर्म का पक्ष में है, लगता है कि ये आसमान नवस्थल पृथ्वी चैव, इसमें तमाम दुनिया को लगता है कि एकदम कंपन कर दिया, वाइब्रेशन, ऐसा संकट ध्वनि के द्वारा ऐसा एक अवस्था पैदा हो गया कि मानो कि लगता है कि भूकंप। नभश्च पृथ्वीश्चैव स्तुमुलो अभ्य अनुनाद, जैसे आवाज उठ रहा है ऐसा। और इसमें धार्तोराष्ट्रानाम मतलब धृतराष्ट्र का पक्ष, धृतराष्ट्रों का जो पक्ष में जो जितना सारे है, लगता है कि उसको हृदय जो है विदीर्ण करके अपना जय होने वाला ही है, ऐसा उद्घोषणा कर दिया गया। इसका बाद अथो व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धार्तोराष्ट्रानो कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रो संपाते धनुर्उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम आहो मणि महीपते। अथो अथ मतलब इसका पश्चात, इसके बाद सारे इस सैन्य वाहिनी को थोड़ा वो देख लिया, व्यवस्थितानो दृष्ट्वा धार्तो राष्ट्रान कपिध्वज, कपिध्वज हनुमान जी का ध्वजा है अपना रथ का ऊपर, इसलिए कपिध्वज। धृतराष्ट्रों का पक्ष जो है उसमें सारे सेना वाहिनी का थोड़ा थोड़ा वो देख लिया। और प्रवृत्ते शस्त्र, शस्त्र संपद, शस्त्र, शस्त्र माने अस्त्र शस्त्र जो शुरुआत, प्रवृत्ते शस्त्र संपद, अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है, सब रेडी। प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर उद्यम पांडव, सो गांडीव को उत्तरण करके भगवान श्री कृष्ण को अर्थात दोस्त को, अपना दोस्त को कहने का प्रयत्न किए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह मही प्रवृत्त शस्त्र संपाद धनिर उद्यम पांडव, ये अर्जुन गांडीव उठाकर एकदम ऑलमोस्ट रेडी। और इसी अवस्था में ऋषिकेशम तदा वाक्यम, इसी समय थोड़ा बहुत कुछ शब्दों कह दिए, तदा वाक्यम इदम आह महीपत, ये शब्दों कह दिए। क्या शब्द है भजे? अर्जुन अभी कह रहे हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, एक काम करना दोस्त, उभय सेना का बीच में मेरा रथ को थोड़ा ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, ये एक किस्म का आदेश है। इसमें भी माधुर जो है, क्योंकि परात्पर अखिलेश्वर भगवान जो सराट वस्तु है, सभिज्ञ है, उसको आदेश करने वाला कौन है दुनिया में?
सब उसी के आदेश पर चलने वाले। एक दोस्त है अर्जुन, पांचों पांडवों का इतना वशीभूत है भगवान, कभी दूध बना के भेज दिया करते, कभी अपना रथ का चालक बना देते, ये संभव है ठाकुर जी के लिए संभव है, क्योंकि प्रेम है। जहां ठाकुर जी अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव दिजो, अहम हम भक्त का पराधीन है। अबे आपने भागवत का पहला स्कंद पहला श्लोक में जन्मादश में बताया सभी को सराट पुरो तो है ही है, लेकिन और एक मेरा स्वरूप है वो प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवधिजो, इसमें मेरा कोई स्वतंत्र भाव नहीं रह जाता, क्योंकि भक्त को पराधीन सेनयोर उभयर मध्य रसन सफय में तो आदेश है। ये ठाकुर जी को कैसे आदेश दिया जा सकता, बोला हाँ सब संभव है। ये भी एक माधुर्य है, सेनयोर उभयर मध्य रसन सफय महच्युत, क्यों क्या काम है, बोले जावद जावद एतान निरीक्षे अहम, जावद एतान निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान, जितना सारे युद्ध करने के लिए आप पहुंचे, जावत काल मैं सबको सही ढंग से दर्शन न कर ले, जावद एतानो निरीक्षे अहम, ये लोगों को दर्शन करना चाहते कौन कौन आया है। ये जो शब्द है एक दिमागी वाला शब्द है, दिमाग मतलब अंदर में इतना पावर है, इतना तेज है कि मानो कि बोलना चाहता है कि अर्जुन थोड़ा बीच में आप रथ को ले चलो, ताकि मैं देख लूं किसका गर्दन में कितना सर है कि मेरा साथ युद्ध करने के लिए आया है, ये थोड़ा देख ले। इसमें बड़ा तेज है शब्द में, देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शब्दों का अंदर ये भाव है। अरे ऐसा कैसे बोल सकता, जावद जावद एतान निरीक्ष हम, अब देखिए क्या करे, बोले वही तो देखना चाहता हूँ को कितना हिम्मत है, जो आए हैं सब एक एक का गर्दान पे कितना सर है देखना चाहता हूँ। कोईर मया सहो युद्ध, किस किस के साथ मेरा युद्ध करना है, किस किस के साथ मेरा युद्ध, कोईर मया सहो युद्धभ्यम अस्मिन रण समुद्र में, ये प्रबल संग्राम में कौन कौन है, किन किन के साथ मेरा युद्ध करना है मैं देखना चाहता हूं, कोई रमया सहो यद्यव्यम अस्मिन रण समुद्र में, ये समुद्र में, ये अर्जुन का कहना है। जोत्समानानो अवेक्षे अहम या एते अत्रो समागत है, युद्ध करने का हिम्मत लेके जो मेरा सामने आए हैं, जोत्सो मानानो अवेक्षे अहम, इक्षन अवेक्षे विशेष करके मैं देखना चाहता हूँ, जोत्सो मानानो अवेक्षे अहम या एते अत्रो समागत है, युद्ध के तुम्हें आया है मैं देखना चाहता हूं, धारतो राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सा, ऐसे तो दिमाग खराब ही है, ये लोगों का बुद्धि खराब है अकलमंदी, नहीं तो धृतराष्ट्र उसका पक्ष जो है तो अन्याय अत्याचार की अधर्म का पक्ष में है। धारतो राष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र, और ये धृतराष्ट्र शब्दों का भी एक अर्थ है हम गुरुवर्ग से सुना है, धृतराष्ट्र धृतो राष्ट्र, ये दोनों को संधि विच्छेद करो, धृतो प्लस राष्ट्र, इसका माने होता है अन्नायेन धृतम राष्ट्रम इति धृतराष्ट्र, वो जो अन्याय अधर्म करके जो अपना राज्य राजधानी को पकड़ के रखे है
इतना आसक्ति है धर्म को पालन करने के लिए भी इसका अंदर में हिम्मत नहीं है। इसीलिए धृतराष्ट्र नाम पर गया वो अरे गुरु वर्गो का जो इतना हिम्मत है पहले से वो जानता है ये नाम रख देता है। परीक्षित नाम दे दिया, ये परीक्षित जुद हम भागवत में बताया था भागवत का व्याख्या में। परीक्षित माने टेस्टेड, ऑलरेडी टेस्टेड एंड फाउंड ओके, परीक्षा करके सही निकाला, इसका नाम है परीक्षित, ऑलरेडी टेस्टेड। नहीं तो इसका क्या हिम्मत है जो सुखदेव जैसा परमहंस श्रेष्ठ इनके सामने बैठ के भागवत प्रवचन को सुने जगत का मंगल के लिए। सो धार्थो राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, दुर्योधन आदि विकर्ण उसका भाई सारे दुशासन सारे जितना सारे है सब ये अधर्म का पक्ष में है। यहां तक कि पितामह भीष्म उपस्थित, पितामह भीष्म का पूर्व का प्रतिज्ञा के अनुसार उधर है, पितामह भीष्म कभी अधर्म करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसको चुप रहना पड़ा। द्रौपदी जी ने ये प्रश्न किए, आप तो इतना धर्म का प्रवचन दे रहे हो तो जब मेरा कपड़ा उतारने का प्रयत्न किया है दुष्टो तब आप कहां थे, सर झुका लिया। धार्तोराष्ट्रस्य दुर्बोधेर युद्धे, जो भी अधर्म का पक्ष में है क्या करे, आप पितामह विश्व का प्रतिज्ञा ये राज्य राजधानी को मरते दम तक मैं देखूं, ये है अंतर में तो स्नेह है ही है पंच पांडवों के लिए। पितामह भीष्म का जिंदगी में प्रतिज्ञा बड़ा बहुत। सो धार्तोराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सा, धृतराष्ट्रों का जो पक्ष है ये तो अधर्म का पक्ष में है, वो दुर्बुद्धि है। धृतराष्ट्र धार्तोराष्ट्रस्य माने धृतराष्ट्र पुत्र आदि सब जो अपना जो पुल पूरा जो सैन्य वाहिनी सब ये सब आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, ये हम सही ढंग से देखना चाहते हैं। तब तक आप रात को बीच में खड़ा कर दो कि लेके खड़ा कर दो। ऐसा करके जब भगवान श्री कृष्ण आदेश का पालन किया सेनयु इत्यादि और रात का स्थापना कर दिए, और है ना ऐसा करके अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण को बताए, कृष्ण भी आदेश को पालन किए और बीच में रथ को खड़ा कर दिए। और इसी समय एक बड़ा भारी विपत्ति आई। अभी संजय गवलगन ऋषि का जो पुत्र है संजय, जिसको वर को प्राप्त किए हमारा वेदव्यास द्वैपायन वेदव्यास जी ने कृपा करके उसको दिव्य चक्षु को दान किए के राज्य राजधानी में बैठकर अंध धृतराष्ट्र के सामने रिले कर रहा है, माने सारे क्या 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 हो रहा है युद्ध क्षेत्रों में क्या होने जा रहा सब ये बता रहे, क्योंकि वहां बैठ के ही दर्शन का शक्ति मिले, शक्ति मिले दर्शन का शक्ति मिले। संजय अभी कह रहे हैं कि पितामह विश्व को एवं उक्ता, ऐसा करके ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। अब गुड़ाकेश ये शब्द भी दो दिन पहले हम किए, गुड़ाकेश मतलब जिन्होंने निद्रा को जय किए इसका नाम है गुड़ाकेश। शयन का जरूरी है नहीं, शयन को जय किए। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
आज्ञा को पालन करते हुए ऋषिकेश ऋषिकेश से दो सेना वाहिनी का बीच में रथ अपना रथ को खड़ा कर दिए। इसके बाद अर्जुन खड़ा होकर सही ढंग से देख रहा है कि क्या कुछ है। भीष्मो द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थो पश्यतानो समवेतानो कुरुण इति समवेतानो कुरुण इति। कुरुपक्ष लेकर जो युद्ध करने वाले जो आए हैं युद्ध के तम समवेता भीष्मो द्रोणो प्रभृति इत्यादि निरीक्षण करके अब तो थोड़ा कुछ बोलना शुरू कर दिए। किसको बोले अपना दोस्त भगवान श्री कृष्ण को बोलना शुरू कर दिए। और ऐसा है कि इसमें देखकर इसको देखकर युद्ध क्षेत्रों का स्थिति देखकर अर्जुन का अंदर हिल गया पूरा। ऐसा लगा कि किस लिए मैं युद्ध क्षेत्र में आए हैं। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थः पितृन अथो पिता महानो आचार्यानो मातुलानो भातृन पुत्रानो पौत्रानो सखिंस तथा ससुराणो सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उभय सैन्य वाहिनी में एक ही है, सब सब सगे संबंधी रिश्तेदार सब है। पितामह है, गुरु है, पिता पितामह सारे पितृतुल्य सब है। आचार्यानु सब आचार्य है, मातुलान सब भाई बंधु सब। ये सब देखकर अर्जुन का हृदय जो है पिघल गया, रहा नहीं गया, हालत बदल गया। थोड़ी देर में अर्जुन बोल रहा है कि देखे किसका सर्वे कितना किसका कितना हिम्मत है। अभी ये सब देखने का बाद बाप अब हृदय इतना परिवर्तन हो गया। अर्जुन का हृदय में मानो की वैराग्य का पैदा हुआ, लेकिन वैराग्य नहीं असली। असली शास्त्र का विचार का अनुसार ये वैराग्य बिल्कुल नहीं है, ये हृदय दौर्बल्य। भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये हृदय दौर्बल्य, हृदय हृदय दौर्बल्य है, ये और कुछ नहीं। ये पंडित का भी भाषण नहीं है, ये बोका का भाषण है और वैराग्य का मापिक दिखा जाता, लेकिन वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके सेनावाहिनी उभय सेना अपना तरफ में तो है ही है जानकारी सब, इसमें कौन कौन है सब तो अपना ही आदमी है। और ये सब देखने के बाद अर्जुन का हृदय का अवस्था स्थिति पूरा बदल चुके हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बोलना शुरू कर दिया। कैसे बोले, पहले तानो समीक्षो, इच्छो नहीं समीक्षो, विशेष रूप से इक्षण करना, समीक्षा एनालिटिकल सर्वे। तानो समीक्षो स कौन्तेय सर्वानो बंधून अवस्थितानो कृपया परयाविष्टो विशिदन इदम अवबृत। विषन्न होकर तानो समीक्षो, अच्छी तरह से देखकर तानो समीक्षो सौ कौंतेयो, ये कुंती पुत्र अर्जुन कौंतेयो सर्वान बंधुन अवस्थित है, तो सब अपने ही आदमी है, सारे तो अपना आदमी है, सगे संबंधी सब अपना आदमी है। इसके बाद कृपया पराविष्टो,
कृपया पराविष्टो कृपया कृपया परायाविष्टो विषिदं इदम अभिप्रेत। इधर लिखा हुआ है कि कृपया परविष्ट अतिशय दया भाव को अपनाया, अतिशय दयापर हो गया, विषिदन दुख करते करते अपना दुख भरे नाले सुनाने का प्रयत्न किए। किसको? कृपया परायाविष्टो विषिदन इदम अभिवृत, ये बोलना शुरू। किसको बोले? बोले है तो एक ही है, वह तो कृष्ण है। कृष्ण सर्वेश्वर परम कारणिक ऐसा करके बताए। और उसका बाद ये अर्जुन कहना शुरू कर दिया और कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, दृष्टेमम सज्जनम कृष्णो, ये सब सज्जनों को देखकर, दृष्टेमम स्वजनम कृष्णो जुदुत्सुम समुपस्थित, युद्ध क्षेत्र में प्राण को बलिदान देने के लिए सब आए हैं, ये सब देखकर दृष्ट्वैमाम, दृष्टेमाम मतलब दृष्ट्वाइमाम सज्जनम कृष्ण जुदुत्सुम समुपस्थित, सिदंती मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति, ये सब देखने के बाद हमारा सागे संबंधी सब अपना भाई बंधु, मेरा शरीर अवश हो गया, मेरा शरीर अवश हो गया, हिलता नहीं ऐसा हालत, और मुखंच परिशुष्यति, हमारा मुख गह्वर विशुष्क हो गया, ऐसा हालत पैदा हो गया। अब क्या करे? परिश्रम तो किया नहीं, फिर भी शोक के मारे अपना जो कंठ शुष्क हो गया, जीवा शुष्ट हो गया, मुख गह्वर, ये आपने तो कोई परिश्रम तो अभी तक किया ही नहीं, युद्ध तो शुरू नहीं हुआ। परिशुष्यति ये पद के द्वारा, ये परि उपसर्ग के द्वारा अर्थ ये है, श्रमादि जनित, श्रमादि करने से जो शोषण तदपेक्षा भयानक शोक, शोक के मारे शोक आ गया, शोक के मारे मुखमंडल पूरा सूक्ष्म हो गया, ये सूचित किया गया। दृष्टेमं सज्जनम कृष्णो जुदुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति, ऐसा बताया। इतना ही काफी नहीं है, उसका बात अब कह रहे हैं, पूरा प्रवचन चल रहा है अर्जुन का। अर्जुन कह रहे, देखो बेपतुश्च शरीरे में, हमारा शरीर जो है बेपतु कंपो, बेपतु मतलब कंपो, बेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षष्ट जाते, हमारा रोंकूप खड़ा हो गया, पूरा शरीर का रोंकूप, बेपथुश्च शरीरे में रोमो हर्षष्ट जायते, और गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, हमारा गांडीव को पकड़ना ही मेरा हिम्मत नहीं, ये भी हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। गंडीवम संस्रति हस्तात, हमारा हस्त, हमारे हाथ से गंडीव निकल रहा है, गिर रहा है, और सारे तच जो है तक शरीर का तक चोई परिरज थे, सारे शरीर में एक जलन पैदा हुआ, अधर्यों को खो बैठा, और ऐसा हालत है, ये जलन हो रहा है पूरा शरीर में,
तच में तचा, और मेरा खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं है। नौच सकनमी अवस्था तुम भ्रमतीव चौमे मन, मेरा मन हमारा खड़ा होने का कोई हिम्मत नहीं, हिल रहा है शरीर। नौच नौच सकनमी अवस्था तुम, खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। भ्रमतीव चौमे मन, शरीर का साथ मन भी घूम रहा है, पूरा चक्कर खा रहा है। क्यों बड़े निमित्तानि चपस्यामि विपरीतानि केशव, पूरा विपरीत छवि को देख रहा हूं मैं। निमित्तानि चपस्यामि विपरीतानि केशव, ये केशव पूरा उल्टा देख रहा हूं। अर्थात भावी अमंगल इन नियर फ्यूचर, युद्ध होने का बाद क्या नतीजा, अर्जुन ये कहना चाहता है कि इसका नतीजा क्या है। निमित्तानि चपस्वामी विपरीतानि केशव, इसका नतीजा क्या है, भयंकर ये तो अभी हमको दिखाई पड़ता है, क्या होने वाला है, क्या करूं मैं। सारे दुर्लक्षण अशुभ लक्षण मेरे पास साबित है, मैं देख रहा हूं सारे। मेरा खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं है, और मेरा मन भी मेरा शरीर के साथ घूम रहा है, और इसका बाद अपना मन दुर्बल हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो हृदय दुर्बल्य है। और कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि हम तो अमंगली अमंगली अमंगल देख रहा है। नौच श्रेय अनुपस्वामी हत्वा सज्जन माहवे, ये अपना सब सगे संबंधी अपना सब रिश्तेदारों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, कोई मंगल होने वाला तो नहीं है, यही तो मैं देख रहा हूं। कल कोई मंगल होने वाला नहीं है, मैं नौच श्रेय अनुपस्वामी, श्रेय मतलब मंगल, नौच श्रेय अनुपस्वामी, मैं एनालिटिकली देख रहा हूं। अर्जुन कह रहे कि मैं अनुपस्वामी विचार लगाकर देख रहा हूं, नौच श्रेय अनुपस्वामी, पस्वामी मतलब दो आंखों देखकर देखना, अनुपस्वामी मतलब विचार बना के दर्शन करना। नौच श्रेय अनुपस्वामी हत्वा, ये खून करके सब मार के सज्जन माहवे, अपना परियनों को मार के, तो मैं तो मंगल नहीं देख रहा हूं। नौ कांखे विजयम कृष्ण नौ चो राज्यम सुखानी चो, हमारा आकांक्षा नहीं है कि मैं विजय को प्राप्त करे, हमारा दरकार नहीं। नौ कांखे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, हम विजय को प्राप्त करना नहीं चाहते, और हमको राज्य राजधानी का सुख वैभव कुछ दरकार नहीं, ना 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 हमको कुछ दरकार नहीं। और चुप छोड़ दिए, सो जो भी है ये सब करके अर्जुन अपना हृदय का भाव को प्रकट किए और बोलते चले। अभी जब तक कृष्णो देख रहे हैं कि वो बोल रहा है तो बोलने दो, कहाँ तक बोले, तब तक कृष्णो चुप होकर सुन रहे हैं। अर्जुन का अभी जो स्थिति है ये देख रहा है, क्या क्या हो गया, किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा, जैसा मार्थे कांखितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, ये बात को खुलासा किया था उस दिन। जितना सारे संपत्ति वैभव है, सब कुछ है, अपना पोजीशन प्रतिष्ठा, अगर हमारा सामने कोई देखने वाला है ही नहीं, अपना सज्जन व्यक्ति तो किस काम का है। उपनिषद का यह बात उठाया था हमने,
आत्मा वारे द्रष्टव्य स्वतव्य निधि ध्यासितव्य, आत्मा है तब तब मैया का सामने, मैया का सामने बच्चा प्यारा है। आत्मा अगर नहीं है तो भाई बंधु कोई किसी का कोई आत्मा का खातिर तमाम दुनिया एक दूसरे का प्रतिभाजन होते हैं। आत्मा अगर नहीं है तो क्या काम। तो ये जो है किंग नो राज्य नो गोविंद, राज्य दे के क्या करे। किंग नो राज्य नो गोविंद, किंग भोगोर जीवित नो, ये भोगोई सज्ज भोग करने के लिए जीवित रहने का क्या मतलब है। क्योंकि जैसा अर्थ कांक्षित हम, जिन लोगों के लिए संपत्ति वैभव आदि जरूरी है, राज्य राजधानी, ये अगर नहीं रहा तो क्या काम का है, क्या काम का है ये। जैसा अर्थ कांक्षित हम नो राज्यन भोगा सुखानी च, ये अगर नहीं रहा तो ये जीवित रह के क्या करे, राज्य राजधानी देखे हम क्या करे। गोविंद 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 मतलब गो माने इंद्रियां, जितना सारे हमारा शरीर में इंद्रियां हैं उसका चालक बिंदु, उसको पालन करते हैं। आप बाहरी दृष्टि में गो माता को पालन करते हैं गोविंद, ये अतो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणंस त्यक्त्वा धनानि च, तो इमे अवस्थिता युद्धे, ये सब अपना प्राण नो सब कुछ बलिदान देने के लिए आ पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, तो इमे अवस्थिता, तो इमे अवस्थिता, ये सब सारे आ पहुंचे मेरा सामने युद्ध क्षेत्र में, तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, धन दौलत प्राण धन जीवन जौवन सब कुछ देने के लिए सारे पहुंचे। ये सब तो आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुलहा ससुरहा पौत्रहा शाल्यहा संबंधिनस्तथा एतानो न हन्तुम इच्छामि घ्नतो ओपि मधुसूदन। सारे आचार्यो पिता पितामह पुत्र मामा सब मातुल सारे एकदम संबंधी सारे साले संबंधी सब ये तो दिखाई पड़ता है मेरे सामने। तो ये लोगों को मारकर हमारा क्या फायदा है। एतानो न हम तुम इच्छा, ये लोगों को मारना नहीं चाहता हूं मैं। एतानो न हम तुम इच्छामी, हमारा इच्छा नहीं है। यहां तक कि ये लोग अगर हमको मार डाले फिर भी अच्छा है। एतानो न हम तुम इच्छामी, अभी शुरुआत में बोला था भगवान का इच्छा भक्तों का इच्छा का साथ मिल जाए तो सही है, या अर्जुन का इच्छा स्वतंत्र है और भगवान का इच्छा को और है, इसलिए बेचैनी है, इतना हंगामा है, इतना एतानो न हम तुम इच्छामी घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन अगर हम स्वयं मारे जाए तो फिर भी हमारा इच्छा नहीं है, इन लोगों को मरने का इच्छा नहीं। सर्गमर्थ पताल त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः, यह नेक्स्ट श्लोक में बताए, ओपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किं न महीपते महीकृते। ये त्रिलोक का अधिपति अगर कोई देना चाहे फिर भी हम राजी नहीं है। मही कृत्य मतलब खिति लाभ निमित्त, अर्थात पृथ्वी का राज राजधानी प्राप्त करने के लिए, खिति 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 मतलब पृथ्वी, मही कृत्य जमीन जायदाद राजधानी अपना साम्राज्य विस्तार, ये सब तो मामूली बात है। अगर कोई मेरे को त्रैलोक का अधिपति देना चाहे
स्वर्गमत्त पाताल का, तो भी हम राजी नहीं हैं। ओपी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किं नु वही मही कृते। स्वर्गमत्त पाताल का अधिपत्य मेरे को देना चाहे, फिर भी मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि निहत्त धातुराष्ट्रानो न का प्रीति ही सात जनार्दन, हमारा कौन सी प्रीति जनक लाभ हो सकता। निहत्त मार के धातुराष्ट्रानो अर्थात धृतराष्ट्र का पक्ष में जितना सारे हैं लोगों को मार के, न माने हम लोगों का प्रीति, कौन सी प्रीति प्रीतिकर फल मिल सकता है। निहत्तो धार्तराष्ट्रानो न का प्रीति ही स्वात जनार्दन, कौन सी प्रीति हो सकती प्रीति अनु, ऐसा करके अर्जुन धीरे धीरे बता रहे। और त्रैलोक्य को अधिपति प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई देना चाहे, फिर भी मेरा इच्छा ही नहीं है, क्योंकि क्या करूं, अपना जो रिलेटिव जो है रिलेटिव संबंध, ये जगत जो है रिलेटिव वर्ल्ड अपेक्षिक जगत, अर्जुन का ये वचन सही है, दिख रहा है कि अब मैंने सही, क्योंकि रिलेटिव वर्ल्ड जो है ये अपेक्षिक जगत, प्रभुपाद जी ने किताब लिखे थे पहले ट्रूथ रियल एंड अपरेंट, अपेक्षिक रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड में रिलेटिव संबंध आदि जो कुछ भी है सब रिलेटिव, मेरा स्थान काल पात्र पोजीशन जो कुछ भी है सारे आत्मा का खातिर विचार किया जाए सब अपेक्षिक है रिलेटिव है। ये मेरा घर है, ये मेरा पिताजी माताजी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अमानती पैसा है, सब कुछ भी जो कुछ भी चिंता करो सब रिलेटिव है। ये बोलना बहुत आसान है, अर्थम अनर्थम भवयो नित्यम, लेकिन अपना जिंदगी में पालन करने जाओ तो बड़ा तो पता चले, एक पैसा छोड़ना नहीं चाहता कोई, साधुगिरी दिखाना बहुत इजी है। त्रिभुवन को प्राप्त करे त्रिभुवन तो भी हमारा मतलब अर्जुन ए रिलेटिव वर्ल्ड में ये जो अपेक्षिक जो जगत है इसमें जो रिलेटिव संबंध है आत्मा का साथ आत्मा का जो संबंध है ये तो नित्य का है, और जो आत्मा जब शरीर को प्राप्त करते हैं तो उसका साथ रिलेटिव जगत का संबंध बन जाता है। और अर्जुन अभी ये ऋषि मुनियों के लिए भी शास्त्र में न्याय शास्त्र में बताया ये बड़ा कठिन है, मुने रोपी दुस्ताज्यम, मुनि ऋषियों के लिए त्याग करना, ये पुत्र है, देखो द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया है, ऐसा सुनकर उसका हालत क्या हुआ, ये सब सामान्य आदमी नहीं है। सो ये अपेक्षिक जगत होने से भी ये अपेक्षिक जगत का जो रिलेशन संबंध है इसको तोड़ना काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बोलने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। और जब तक ये जड़ जगत का जो रिलेटिव संबंध है सब उसको तोड़ मोड़कर ठाकुर जी का ओर ना बढ़े तब तक तरक्की का कोई चांस नहीं। अपेरेंटली अपेक्षिक जगत का अपेक्षिक ये जगत का जो रिलेशन है तो कुछ भी नहीं है, ये तो जाने वाला है सब आदमी, आप जानते नहीं हो, ये दो दिन का बोलो वो तो जानता हूं, लेकिन जानते हुए भी ये ना जानने का बराबर है, ऐसा जानना नहीं जानना दोनों समान है, क्या होगा। जब कुछ किस चीज का जानकारी हो ये भी अगर साइंटिफिक जानकारी हो मतलब अनुभव का साथ, अगर अनुभव का साथ अगर ये जानकारी पक्का बैठता है दिल में अनुभव का साथ तब तो ठीक है, नहीं तो क्या काम का,
ऐसा करके अर्जुन अभी लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहा है, कृष्ण भगवान सुनते रहे, सुनते जा रहे, ठीक है तू बोल। अब बड़ा पंडित व्यक्ति का माफिक बोल रहा है कि पापम मेवा श्रेद अस्मानो हत्वई त्वानो आतोताई नो। ये आतोताई जो है, आतोताई का मतलब क्या है? आतोताई मतलब जो दुर्बुद्धि है, दुष्ट है, घर में आगुन लगाता है, बिना जानकारी मार देता है, अपना स्त्री को उठा के ले जाता है, धन संपत्ति को बिना बताए ले जाते हैं, दुश्मनी करता है, पॉइजन देता है, ये सब आतोताई है। मनुसंहिता में है ये आतोताई को देखने का साथ साथ ही मारो। आतोताई के बारे में ये है, आतोताई का भगवान भी श्रीमद भागवत जी महापुराण में देखा, जब अश्वत्थामा को पाकर पकड़ के ले आया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए आतोताई बदारहण, आतोताई को मारना चाहिए, आतोताई को मारना चाहिए, मारो, मारना चाहिए, आतोताई को मारना चाहिए। और उसका बाद जब युधिष्ठिर महाराज क्या इच्छा, भीमो का क्या इच्छा, और कुं और द्रौपदी देवी का क्या इच्छा, ये सुनने का बाद अब क्या किए, तब बताए कि देखो आतोताई तो बदरहन हो तो ठीक ही है, लेकिन ये ब्रह्म बंधु नहंतव्यो आतोताई बदरहन। ब्रह्म बंधु भी, ब्रह्म बंधु मतलब नाम का ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु मतलब नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कोई काम ही नहीं किया, ब्राह्मण का जो करने वाला जो काम वो कुछ नहीं किया, ये उल्टा काम किया, ये इसको, ये तो सचमुच ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। सो ब्रह्म बंधु नहंतव्यो आतोताई बधारण, ब्रह्म बंधु भी हो अर्थात नाम का ब्राह्मण है, इसको भी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतोताई बधारण, आतोताई को मारना चाहिए। उसके बाद विचार करके और जो करना करो, जो करना है करो विचार करके। ऐसा करके भगवान का हर वचन जो है वो परोक्ष वचन है, ठाकुर जी कभी डायरेक्ट नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते हैं, तो लेना है तो ले, नहीं तो जा। आ ये गीता में ही है, वो डायरेक्ट प्रवचन है, कितना सौभाग्य की बात है, ये गीता में ही है पूरा खुलासा। ठाकुर जी कह रहे हैं, जब अर्जुन कह रहे हैं कि पापो मिवास श्रेद असमानो हत्वईता नतुताई नो, ये आतुताई को ऐसे तो आतुताई बोल ही रहे, शास्त्र में विचार आतुताई बाधा रहना, आतुताई को बध करना चाहिए, मनु संहिता में भी है। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि पापो मेवा आश्रय दसमान, पापी तो आश्रय करे हम लोग, मार के ये लोग को मार के क्या फायदा है, पापो मेवा श्रमेव मतलब अफर्मेटिव निश्चित, पापो मेवा आश्रय दसमान, हम लोगों को तो पापी पापी पाप मिलना है, हत्वई तान अतोताई ने अतोताई लोगों को मार के क्या फायदा है। तस्मात नारहा वयम हंतुम धातु राष्ट्रानु संबंध बानु, तस्मात ना अरहा वयम हंतुम, मारना उचित नहीं है, और सज्जनों को मार के क्या फायदा है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न स्वाम माधव, ये माधव ये सज्जनों को मार के कथम कैसे मार के सुखी न स्वाम कैसे सुखी हो पाएगा, हम लोग कैसे सुख आ सकता है, ये संभव है कि बिल्कुल नहीं, आपने तर्क दे रहा है।
अग्नि संयोग जो करे घर में गृह विष प्रयोग करे अस्त्रों लेकर मारने के लिए आए खून करने के लिए अस्त्र पकड़कर खुला अस्त्र धन को लूट करता है भूसंपत्ति को तछलूट करता है स्त्री रत्न को उठा के ले जाते हैं। ये छयो जना है जो ये छय जो है तुताई के अंदर गिनती किया जाता है। इसको मारना चाहिए, इसको मारने से कोई दोष नहीं होता शास्त्र में। ये है ये जो दुर्योधन आदि विचार करके अगर देखो तो ये तो सारे अतोतई है, बचपन से लेकर ये ऐसा ही कर रहे आज तक। कभी भीम को 20 लड्डू दिए मारने के लिए, ये जो ठाकुर जी सहाय है बच गया, बोरुन लोक में चला गया, पानी में फेंक दिया। भीम को 20 खिलाया, जदुगृह में आग लगाया, अपना जो पत्नी है द्रौपदी जी को हरण करने का प्रयत्न किए, दुशाला का जो स्वामी है वो एकदम उठा के ले जाने के लिए प्रयत्न किया कुंती देवी को। यहाँ तक कि वो जो जब जंगल में जब जंगलवास वनवास तब की इतना बदमाश है तो उठा के ले जाने का प्रयत्न किए, और यहाँ भरे सभा में कपड़ा उतारने का कोशिश किया, आतुरता ही छोड़ किया क्या है, ये तो सब किया। अग्नि संयोगकारी विष दानकारी अस्त्रों लेके मरने के लिए प्रस्तुत है हर वक्त, धन दौलत लूट किया और राज्य राजधानी को लूट किया, स्त्री रत्न को क्या क्या है, तो आतुताई है, आतुताई छोड़ के कौन है। सो आतुताई को मारने से क्या भाया, उसमें तो कोई दोष नहीं लगता। सो ये पांच पांडवों का लिए तो ये जो आतुताई का जो लक्षण है, जितना सारे लक्षण बताया गया वो तो, और नीति शास्त्र में ये भी देखा जाता है मां हिंसात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी को उद्वेग ना देना मारना नहीं है। जैसे हम बहुत बार चंडीगढ़ में भी पंचकुला में प्रवचन में भी हरिकथा में खुल्ला में खुल्ला बताया कि देखो ये नाजायज फायदा लेना शास्त्रों का उचित नहीं है। शास्त्रों का वचन का जो नाजायज फायदा ये हिरण्यकशिपु भी लेना चाहता है। दोज़ आर डेमॉन्स दे कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर्स। डेमॉन जो असुर जो है असुर राक्षस ये भी शास्त्रों का प्रयोजन देते हैं, अपना जिंदगी में पालन नहीं करते। यह पूरा है तो ये जो है हमारा जो चैतन्य चरितमित है काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, काय मन वाक्य के द्वारा किसी को उद्वेग देना उचित नहीं है, यही तो बात है। इसीलिए इस बात का नाजायज फायदा लेकर तमाम जनता का सामने ये पेश करना चाहूं मैं कि मैं साधु हूं, किसी को उद्वेग नहीं देता। लेकिन पक्का साधु का बात तो ये है कि नहीं उद्वेग देना है तो दे जरूर, इसका मंगल के लिए, ये उल्टा बता रहा है। कल चर्चा करेंगे शुरुआत में, ऐसा है कि अर्जुन अभी जो कह रहा है कि ये तो हृदय दुर्बल है, तो नीति शास्त्रों का अनुसार पूजनीय वरण्यो शरण्यो द्रोणाचार्यो भीष्मो ये तो पाप का कारण ही है नीति शास्त्र का अनुसार विचार का अनुसार। और दूसरी तरफ से विचार करो तो ये तो आतोताई का पक्ष में है, आतोताई बदरहनु
एक विचार है, आतोताई को मारना चाहिए और गुरुजनों को मारना तो दूर की बात है, किसी भी हालत से उसको ठेस पहुंचाना भी उचित नहीं है। काय मनोवाक्य करे उद्वेग न दिवे, ये तो वैष्णवों का काम है। गुरु वैष्णव जो है काय मनोवाक्य करे उद्वेग न दिवे, ये है। अब दोनों में क्या फसला है, अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन अभी स्थिति ऐसा है कि कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, फ्रिकल माइंड हो गया पूरा, ऐसा हालत है। इसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं करना चाहिए, किं कर्तव्य विमूर, ब्रह्म मंदुर नहंतव्य अतताई वदर्हन मयैव उभयम् नातम परिपाहि अनुशासनम। भगवान बड़ा चतुर है, जब असत्थमा को पकड़ के लाया गया, अर्जुन उसको पकड़ के ले आए, पशु जैसा बंधन करके ले आए। हा बम बंदुर नहंतव्य आतोताई बधारहन, आतोताई को बध करना ही चाहिए, ब्रह्म बंधु को नहीं बनना। और भगवान अंतिम में ये सिद्धांत बताया, मयैव उभयम् नातम परिपाहि अनुशासनम, उभयम् नातम इस तरफ से विचार ये है, उभयम् नातम इस तरफ से ये विचार, उस तरफ से ये विचार। परिपाही परि मैंने पाही, परिपाही अनुशासनम, अनुशासनम मतलब शास्त्रों का जो विचार है उस विचार के अनुसार। परिपाही अनुशासनम, जो शास्त्रों में जो विधान है क्या वास्तव करनी चाहिए, करना चाहिए। परिपाही अनुशासनम, शास्त्रों का सम्मान देते हुए जो करना है वो कर। अर्जुन में सोच में पड़ गए, अभी बोल रहा है मारना चाहिए ब्रह्म बंधु, नहीं न ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए, और आतोताई बदरहनो ये बोल रहे हैं। अब पितामह युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं, कुंती तुम्हारा द्रौपदी जी कह रही कि छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, शीघ्र ही छोड़ दो इसको, छोड़ो छोड़ दो इसको, ये देखा नहीं जाता है तो गुरु पुत्र है, हैं इसको छोड़ दो। द्रौपदी देवी, असलियत बात यह है कि गुरु वैष्णव तो क्षमामय है, द्रौपदी तो क्षमामय, भगवान श्री कृष्ण का बांधवी, उदार हृदया द्रौपदी, अपना सारे पुत्र को मार डाला फिर भी द्रौपदी का अंदर में क्षमा ही क्षमा है। लेकिन भीम जी महाराज कह रहे हैं कि मारो बदमाश को, मारो, भीम कह रहे हैं, भीम का कहना है कि मार डालो इसको। द्रौपदी कह रहे हैं कि ये अगर मारा जाए, मैं तो जानती हूँ कि अपना पुत्र मारे जाने से क्या दुख होती है, लेकिन इसको अगर मारा जाए तो गुरु पुत्र का जो हत्या, इसमें गुरु पत्नी क्या क्या हालत होगी। सो द्रौपदी कह रहे इसको क्षमा कर दो। तो कृष्ण का क्या अभिप्राय है, कृष्ण क्या कहना चाहता है, ये समझकर अर्जुन, ये समझकर दोस्त का ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा का सर से बाल के साथ जो मणि है, मस्तक जात मणि बहुत पावरफुल है, छेदन करके खून निकाला, उसको फेंक दिया शिविर से, निर्यापयत उसको फेंक दिया। यही मानी व्यक्ति के लिए, मानी व्यक्ति के लिए यही सबसे मरने से भी ज्यादा है। जो मानी व्यक्ति है, सम्मानजनक व्यक्ति है, इसको अगर मस्तक मुंडन करके अपमान करके उसको फेंक दो, ये मरने से भी ज्यादा है।
मरने से भी इसका ज्यादा है, क्योंकि ये सम्मान है। सम्मान गया तो सब कुछ गया। सो कृष्ण भगवान का अभिप्राय समझकर दोनों का बीच का व्यवस्था किए, बद करना और ना करना दोनों का बीच में, इसको शिविर से धक्का लगाकर, धक्के लगाकर फेंक दिए। सिर मस्तक जात मुनि को हरण करके उसको फेंक दिया। मनु महाराज भी ये बताए, वेदः श्रीतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद श्रुति सदाचार सारे ये जो साक्षात धर्म का लक्षण है। गुरु वैष्णव का जीवन जिंदगी में जो आचार आदर्श है यही धर्म है, एकदम पक्का शौचाचार जो कुछ भी है। तो मनु महाराज जी कहें कि वेद हो श्रुति ही सदाचार सस्वोच प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। ये मनु महाराज जी कहते सो शास्त्र का मुताबिक आचरण किए अर्जुन ने। अर्जुन अभी तक इतना सारे प्रवचन किए और अभी भी कर रहा है, कह रहा है कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहृत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोही च पातकम्। अगर ये लोगों का दिमाग खराब हो गया, परपक्ष का दिमाग अगर खराब हो गया कि हमारा भी दिमाग खराब होनी चाहिए। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग तो देख नहीं रहा है कि लोभ अगर है अंदर में, लोभ लालस है, लालची आदमी का कोई इज्जत नहीं रहता, कुछ भी कर देता। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोग यद्यपि लोभ के मारे पूरा अपना विचार बुद्धि को खो बैठे, ये लोग देख नहीं रहा है कि कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोही च पातकम्, अपना दोस्त भाई बंधु को मारने से क्या पातक पाप हो सकता, और कुलक्षय होने से क्या नतीजा है, क्या नतीजा है, फार रिचिंग कंसिक्वेंट, भविष्य क्या हो सकता है। सो यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहृत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोही च पातकम् कथम न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मानो निवर्ततुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। हे जनार्दन, ये लोग लोभ के मारे और लालच है लोगों के अंदर में, ये तो देखता नहीं, देखने एकदम देखता नहीं। हे अर्जुन, राज्य राजधानी संपत्ति का लोभ इनके बुद्धि खराब कर दे, बुद्धि मारे गए। दुर्योधन आदि कुलक्षय होने से क्या हो सकता, अपना सगे संबंधी रिलेटिव्स को मारने से, भाई बंधु को मारने से क्या पाप अब से वो तो थे, वो देख नहीं रहा है। किंतु हम लोग तो देख सकता है, किंतु हम लोगों का तो विचार बुद्धि है, किंतु हैं तो क्यों हम लोग, क्यों ना हम युद्ध से हट जाए, क्यों ना हम युद्ध विग्रह बंद कर दें, क्योंकि हम तो जानते हैं कुलक्षय कृतम दोषम क्या हो सकता है। ये सब पाप वृत्ति से अगर हम हट जाए, बंद कर दे युद्ध, ये अच्छा है हमारे लिए। ये बुद्धि, ये लोग का बुद्धि मारे गए, वो विचार नहीं कर रहा है कि तो हमारा विचार है, तो हम तो देख रहे हैं कि कुलक्षय हो जाने से क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत अमंगल। तो ये पाप कर्म से क्यों ना हम निवृत्त, क्यों ना हम निवृत्त हो जाए, ये कहना है। लेकिन शास्त्र का विचार है
कदापि युद्ध क्षेत्र में आबार क्षत्रिय पहुंच गया। धर्म युद्ध तो बड़ा बातचीत है, भगवान श्री कृष्ण बोले अरे देखो ये तो युद्ध से भी किसी क्षत्रियो को विमुख होके जानी नहीं जाना नहीं चाहिए, ये निषेध है। पाशा क्रीड़ा शतरंज, पाशा क्रीड़ा अथवा युद्ध में आहुत होने से क्षत्रियो कभी विमुख नहीं होना। अब कभी कभी कोई ये प्रश्न करता है, युधिष्ठिर महाराज का दिमाग खराब हो गया कि ये खेलने के लिए पासा खेलने के लिए बुलाया तो चले गए। ये नियम है, क्षत्रियो का ये विधान है, पासा क्रीड़ा। और जैसे बलदाव जी महाराज, कृष्ण, रुक्मिणी सारे गए ना, हम भजकटो, भजकटो राजधानी है, रुक्मी रुक्मिणी देवी का बड़े भाई, वह बड़े भाई एक ही भाई है, वहाँ जो इनके जो लड़की है इसका साथ शादी देने के लिए गए, सारे पहुंचे कृष्ण का लड़का का जो भी है। अभी ये जो इस समय में बलदाव जी महाराज को ललकारा, आओ अगर खत्री हो तो आओ, हिम्मत देगे तो खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी में डुप्लीसिटी हो सकता है, चिटिंगबाजी भी हो सकता है। बलदाव जी महाराज का साथ भी चिटिंगबाजी हुआ था, और यहाँ भी शकुनी मामा, ये भी बड़ा दुष्ट है। शकुनी मामा ये बड़ा दुष्ट है, वो झूठा ये जो खेला है युधिष्ठिर महाराज खेल दिया, और इसमें झूठा है, ये सब बदमाश है, डुप्लीसिटी है, अधर्म अधर्म के रास्ता से इसको पराजय किए, करा के इसको भाग दिया, फेंक दिया जंगल में, ऐसा बदमाश है। जो ये जो है, ये लोग देख नहीं रहा है कि लोभ के मारे, लेकिन हम लोगों को तो देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसमें क्या नतीजा। सोच ये जो क्षत्रियों के लिए युद्ध संग्राम में विमुख होना या तो पासा खेला में विमुख होना, ये तो निषेध है, क्षत्रियों के लिए निषेध है, अर्थात युद्ध में जाना है, युद्ध क्षेत्रों से वापस आना बिल्कुल निषेध है, मर के रहेंगे, ये विचार है। लेकिन अर्जुन जो बता रहे हैं कि ये तो लगता है कि धर्म का प्रवचन, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उतो, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, कुल क्षय होने से कुल धर्मों सनातन धर्मों को पालन करने वाले सब उल्टा रास्ते पे चलाता था। कुल क्षय प्रणश्यन्ति प्रकृष्ट रूप नाश हो जाता कुल धर्म सनातन धर्म जो सदियों पुरानी धीरे धीरे वो लोग पालन कर रहा है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, और अगर धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट कुलम कृष्ण, जब धर्म ही नष्ट हो गया, धर्म नष्ट कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उतो, तभी अधर्म का उत्पत्ति होता है। धर्म नष्ट कुलक्षम, कुल धर्म आदि सब नष्ट हो जाने से, कुल धर्म विनष्ट होने से अधर्म समग्र कुल समाज को व्याकुल कर देगा, उल्टा रास्ता भी चला देगा। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, अधर्म का पैदा हुआ खानदान में, तो खानदान में जितना सारे स्त्रियां हैं, ये भी कुल स्त्रियां ये भी उल्टा मार्ग पर चलना शुरू कर देगी। अधर्माभिभवात् कृष्ण
प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः, दूषित हो जाएगी सारे कुलस्त्रियः, और अगर दूषित हो जाए तो स्त्रीषु दुष्टासु, दुष्टो स्त्रियों से, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयों, हे वृषि वंश का कुल प्रदीप कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयों जायते वर्णशंकर, यहाँ वर्णशंकर मैंने हाइब्रिड, वर्णशंकर उत्पत्ति हो जाए क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पूरा विपर्जय हो जाए, ब्राह्मण शूद्रों का पास चले जाए, शूद्र शूद्राणी चले जाए ब्राह्मण का पास, ऐसा उल्टा फुल्टा होके वर्णशंकर उत्पत्ति ये तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, ये तो होगा ही होगा, ऐसा हालत है। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः, आस्त्रीषु दुष्टासु वर्षेयो जायते वर्णशंकर, जब वर्णशंकर हो जाए हाइब्रिड पैदा हो तो जितना सारे वर्णाश्रम का व्यवस्था है सारे तोड़ मोड़ हो जाए, अव्यवस्था फैलेगा। आर शंकर होने से शंकर बहुत सख्त माना है, यहाँ तक कि हाइब्रिड जो सब्जी है फसल है ये भी अनाज है, ये भी निषेध, लेकिन कर रहा है आदमी जोर जबरदस्ती, ये निषेध है। वर्ण शंकर जाति संबंध में यज्ञ बालकों का बहुत उक्ति है, गरुड़ पुराण में भी बहुत सारे प्रमाण है, प्रतिलोमोजो अनुनोबोजो जाति वर्णशंकर, मनुसंहिता में भी ऐसा है, इंद्रियो प्रवृत्तिर प्रबलक हेतु लुप्त ज्ञान बेन राजा के समय ए निषिद्ध पशु व्यवहार प्रचलित होके वर्णशंकर का उद्भव हुआ। ये वर्णशंकर का बारे में विषय में याज्ञवल्क्य जी का भी कहना है, याज्ञवल्क्य संहिता गरुड़ पुराण में भी है, और प्रतिलोमोजो अनुलोमोजो अर्थात ब्राह्म उल्टा प्रतिलोम अनुलोम माने मिक्स जाति वर्णशंकर, मनुसंहिता में भी बताया गया कि इंद्रिय प्रवृत्ति का प्रबल हेतु बेन राजा का समय से प्रबल हेतु लुप्त ज्ञान बेन राजा के समय से निषिद्ध पशु व्यवहार प्रचलित होके आज तक आ रहा है, वर्णशंकर का उद्भव हुआ, पहले ऐसा नहीं था। प्रतिलोम अनुलोम, पिता ब्राह्मण है माता शूद्र, और उल्टा हो सकता, अनुलोम उल्टा भी हो सकता है, माता ब्राह्मण पिता शूद्र ऐसा उल्टा उल्टा सारे प्रतिलोम अनुलोम सब मिक्स, क्षत्रिय ब्राह्मण वही सब मिक्स उल्टा हो गया, आज कुछ जात कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, और सब हरामखोर पॉलिटिकल लीडर लोग ये सब बोल रहे हैं, सब समान है, एक ही है, एक ही है, भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा बड़ा वो लोग बड़ा ये लोग बोल रहे हैं, सब उल्टा सीधा, सब समान है, कुछ नहीं है सब। शंकरो नरकायोइवो कुलग्नानाम कुलस्सच, जब शंकर वर्ण शंकर का पैदा हो जाए दे शंकरो नरकायोइवो, तब शंकर वर्ण शंकर होने से ही नरक का दर्जा खुल जाएगा, क्योंकि तब तो कुछ नहीं बचेगा, समाज संसार का नियम नीति निष्ठा कुछ नहीं रहेगी। शंकरो नरकायोइव कुलग्नानम कुलस्सच अपतन्ति पितरो हि एषाम लुप्त पिंडो दगक्रिया, पतन्ति पितरो हि एषाम, एलो का पूर्व जो जो है पूर्व जो को जो तर्पण करना है पिंड दान करना है पानी देना है ये सो लुप्त क्रिया हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी लुप्त क्रिया,
क्यों कोम पालन कर किसी को पता नहीं उल्टा हो गया। शंकरो नरकायैव कुलग नानाम कुलस्सच पतन्ति पितरो ही ऐसा पितर पूर्वपुर पिता पिता पितामह जो है जब शरीर को छोड़ दिए उसको तो तर्पण पिंडदान ये सब जरूरी है और वो सब तो सब छूट जाएगी क्रियाकर्म छूट जाएगी और सब नरक उल्टा पतन्ति पितरो ही ऐसा लुप्त पिंडो दगो क्रिया और सारे सारे के सारे खत्म होने वाला सारे पितृलोक में साल में एक बार पिंडदान तर्पण पानी देना जरूरी है। ये हिसाब ये है कि हमारा जो रोजाना खाना है पानी पीना है वहाँ एक साल का चक्कर है मतलब साल में एक बार देने से वो लोगों को डेली खाना मिलता है। ये हिसाब है हमारा जो एक साल है उसका लिए तो एक दिन इसलिए विचार ये साल में एक बार पितृ पूर्वजों का तर्पण आदि पिंडदान पानीदान ये जरूरी है पितृपक्ष आदि ये जरूरी है। ऐसा करके सारे अगर अव्यवस्था फैलेगा किसी को पता नहीं चलेगा क्या नियम निष्ठा है कुछ सब तोड़ मोड़ हो जाए उसका बाद पूर्व पिता पिता माँ जो है बिना पिंडदान कोई पानी खाना के बिना कष्ट पतंति पितरो ही ये साम लुप्त पिंड को क्रिया। और इसके बाद दोसोई रेतोई कुलग नानम वर्ण शंकर कार कोई उत्साह दंते याति धर्म कुलो धर्माश्च शाश्वतः। इसका काल पूरा व्याख्या करेंगे। दोसोई रेतोई ये दोष से क्या होगा ये दोष बाढ़ते बाढ़ते दोसोई रेतोई कुलग नानम कुल खानदान को उजाड़ करने वाला जो नियम है ये होते होते क्या दोसोई रेतोई कुलग नानम वर्ण शंकर कारकोई ये वर्ण शंकर को पैदा करने वाला जो नियम है ये सब अव्यवस्था है उसमें सारे खत्म होने वाला है खानदान उजाड़ जाए। उत्साह अंत जाति धर्म जाति धर्म आदि जो पालन है वेद वेदिक निष्ठा जो है सारे तोड़ मोड़ हो जाए। उत्साह दंत जाति धर्म कुलो धर्माश्च शाश्वत सदियों पुराना जो नियम है शाश्वत सनात शाश्वत मतलब सनातन धर्म का जो नियम है कुलो धर्म वर्णों एवं वर्णों धर्म कुलो धर्म सारे लुप्त तो हो जाए तो क्या रहेगा कुछ बचेगा क्या सब तो खत्म। ऐसा करते करते अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का था अभी भी कहते कहते एकदम बाद में जब वो बंद बोलती बंद कर दे तब भगवान शुरू करेगा। अभी भी चल रहा है ये भगवान पक्का बता दिए ये तुम्हारा ज्ञान की बातें नहीं ये तुम्हारा अज्ञान की बात है ये तुम्हारा हृदय दौर्बल्य ऐसा करके भगवान बताए। हम बाद में चर्चा करेंगे इस विषय को ऊपर चर्चा करेंगे काल फिर आज यहाँ तक। जे बामयीशे कित सौहृदार्था जौनेशु देहांतरवार्तिकेशु गेहेशु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीति युक्ता जवदार्थाश्च लोके वांछा कल्पतरुषि के बासिंद व्यवच पथितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो।